शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्वालियर जिले में एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 7 मार्च को कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने बताया कि 10 मार्च को देश में करीब 16 एयरपोर्टों का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के कमलों द्वारा होने जा रहा है। इसके तहत ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर चंबल अंचल में एक इतिहास रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया मेरी आजी अम्मा के नाम पर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसमें इतिहास, संस्कृति और ग्वालियर की कला की झलक भी देखने को मिलेगी। इसी क्रम में सिंधिया ने आम जन से 10 मार्च को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ये हमारे संभाग के लिए एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक इतिहास रचा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में, और पूरे देश के लिए एक इतिहास है। पहली बार 75 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में देश के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, लेकिन 16 विमानतलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास साथ में किया जा रहा है। 10 तारीख को सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे